सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मनाली। तो अभी इससे पहले हम लोग जाएंगे अजमेर और बहुत सब कुछ है जो कुछ हम लोग आपको बाद में बताएंगे। बट अभी हम लोग बैग वैग सब पैक कर रहे हैं, मेरा फेस भी नहीं आ रहा क्योंकि रात में 3 बजे हम लोग अभी ऐसा अजमेर के लिए निकल रहे हैं पहले। तो देख तो ये सब लोग सामान वामान सब गाड़ी में पैक कर रहे हैं। तो और पहले बात तो हम लोग I-20 लेके जा रहे हैं इतनी दूर तक। सब सामान पैक हो रहा है, सब इतना सब सामान रखना कैसे वो समझ में नहीं आ रहा है। गाड़ी है हमारी पूरी सही तरह से सब सेट हो गया है। तो गाइस अभी हम लोग अहमदाबाद से आगे निकले हैं, गांधीनगर पहुंचे और अभी हम लोग को जाना है पहले अजमेर। अजमेर के बाद हम लोग जाएंगे मनाली, वहाँ पे एक दिन होल्ड करना वाला अजमेर में क्योंकि हम लोग दरगाह पे जाना है। काफी टाइम से सोच रहे थे दरगाह पे जाने का, तो दरगाह पे हम लोग जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ से निकलने वाले हैं एक दिन स्टे करके मनाली। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं गांधीनगर, है ना, गांधीनगर। और यहाँ से हम लोग को कल हम लोग आ गए थे एक्चुअली सूरत से अहमदाबाद तक, हम लोग कल ही आ गए थे क्योंकि अहमदाबाद में हमारे को एक जगह जाना था क्योंकि हमारे को इन्वाइट था, थोड़ा मतलब दावत दी थी हम लोग को, तो वहाँ पे हम लोग को एक दिन स्टे था। अभी ऐसा हम लोग अजमेर एक दिन स्टे करने वाले। इस तरह मनाली तक आपको कंटिन्यू ब्लॉग देखने मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे आप लोग को अपडेट देते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि पहली बार इतनी दूर जा रहे हैं कि मैं अभी तक मुंबई तक ही गया था गाड़ी लेके, ज़्यादा से ज़्यादा लोनावाला या महाबलेश्वर से आगे कभी मैं गया ही नहीं हूँ। तो ये पहली बार इतनी हिम्मत की है मैंने कि मैं मनाली तक लेके जा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी मैंने बनाया भी नहीं है, सब चीज़ कम्प्लीट करके निकले। तो देखते हैं अब किस्मत साथ कब तक देती है। तो बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग दुआ करना कि हम सही से पहुँच जाए अगर आप लोग ब्लॉग देख रहे हो। अगर हमारे कुछ हेल्प चाहिएगी आगे रास्ते में, क्योंकि हम लोग हरियाणा अम्बाला हरियाणा होके जाने वाले हैं मनाली, तो अगर कुछ चाहिएगी तो मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पे स्टोरी के थ्रू आपको अपडेट देता रहूँगा। तो तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। सो गाइस, आप लोग को भी शायद रास्ता नहीं दिख रहा है लेकिन हम लोग ना एक घंटे आधे घंटे से समझ लो कंटिन्यू सीधी चला रहे, बट हाँ। एक गाड़ी अभी तक नजर नहीं आ रही है, पता नहीं। तो सुबह कितने 5 बज चुके हैं और कंटिन्यू गाड़ी ऐसे ही सीधी सीधी चल रही है, एक गाड़ी नहीं दिखी है पूरे रास्ते, पूरा रास्ता ऐसा है। कम से कम मैं 25-30 किलोमीटर से चला रहा हूँ, एक भी गाड़ी अभी तक नजर नहीं आई। ये मैप के थ्रू जा रहे हैं, देखते हैं गूगल मैप, गूगल भाई हमको किधर पहुँचाते हैं अभी वो देखेंगे हम। बहुत डेंजर रास्ता है, डेंजर रास्ता है, वापस बन रहे हैं और ऊपर से एक भी गाड़ी नहीं है, पहली बार आ रही है, कोई गाड़ी नहीं आ रही है अभी तक, आप लोग को नहीं दिख रहा है रास्ता ही नहीं दिख रहा है, फॉग है ना इसलिए आगे रास्ता ही नहीं दिख रहा है। मैं दिख रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ये गोवा एक बार अभी तक हफला चुकी, एक बार गाड़ी के ऊपर, अभी दूसरी बार वापिस आ रही थी यहाँ कांच पे आके हफलाई आगे। और ये भाई बोल रहा था क्या था, बगला ये वापिस गोवा रही है। हाँ तो वो बगला ये बोलता है बगला, मैंने कहा बगले को कब से रात में दिखता हो क्या, गोवा को रात में दिखता है उल्लू, आउल उल्लू जो भी हो, हम लोग ये रोड पे सब बैठे हैं, बोल गाड़ी यार रोड पे ही बैठे ना, आगे गाड़ी के अंदर हफला रहे, गाड़ी जा रही है स्लो वो लोग। हां कब से गाड़ी एक भी आई नहीं है, एक भी गाड़ी नहीं है यहां पे गाइस, देखो आप लोग को दूर दूर तक एक भी गाड़ी जो अपर दिखेगी आपको, नहीं नहीं दिख रही है, वो भी नहीं दिख रही है। गाइस इतना स्कैरी रास्ता है पूरा, ये मेरी स्कैर्ड, बट पहुंचना है कैसे भी डेस्टिनेशन पे, आई नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक, बट हम लोग अजमेर तक कहीं इसके थ्रू जा रहे हैं, तो आई होप कि हमको सही सलामत पहुंचा दे, है ना। सो सही से पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। सो गाइस स्टे ट्यून एंड सो गाइस 3 बजे से निकले थे और अभी बजे है 6 और हमने नॉन स्टॉप 200 किलोमीटर समथिंग काट लिया हुआ। क्यों रहमान बहुत थक गया मैं, आपने कितने किलोमीटर काट लिए भाई, 200 किलोमीटर तो हो गए सर। और अभी हम लोग रुके हैं, चाय भाई पीते जरा गाइस, सच में बहुत ज्यादा ठंड है और हम ये भाई बिना जैकेट के घूम रहे हैं ये भाई, ये एक भाई और मुस्कान तो बारी आने का ना बोल रही है, बहुत ठंड है। मुस्कान कैसा लग रहा है, 200 किलोमीटर बाद पहला स्टॉप है तुम्हारा, बहुत ही बुरा हाल है,
पहले मेरे को आइए ये, अभी मेरे को लेके चलो। मेरे को गाड़ी में देख पसीना वाला था, पीछे तो पूरा क्या हो देख। चाय पी रहा हूँ गरम। चलो देख ये हमको स्टोर्स मिली है यहाँ पे। आगे अजमेर तक पता नहीं अब कहाँ पे रुकने वाले हैं। चलो जल्दी हम वो फायर बर्न कर देंगे। तो गाइस जैसे फाइनली आप देख सकते हो कि उजाला हो गया और फाइनली गाड़ी बहुत सारी दिख रही है। हम लोग हाईवे पे आ गए ना, इसलिए हम लोग ने आबू रोड क्रॉस किया, आप लोग को बताया। उसके बाद अभी अजमेर तक का टोटली हाईवे ही है। फिर हम लोग अजमेर में रुकने वाले हैं। फिर आगे अभी खाना ही बाकी है, क्योंकि अभी जो सिर्फ नाश्ता ही किया हम लोग ने, वेफर ऐसा लेके खाया है। सन बहुत अभी है, सन बहुत हैरान करेगा यार पूरा दिन, मेरी आँख पे बहुत आएगा और मेरे को गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सिर्फ 300 किलोमीटर है। हाँ सीख ऐसा अजमेर 300 सिर्फ 300 अभी छुटकी में पहुँच जाएंगे। ऐसे ही हम पहुँच जाएंगे और जाके वहाँ पे होटल पे सो जाएंगे, फिर ज्यारत करेंगे और ज्यारत करने के बाद इंशाल्लाह कल निकलेंगे, है ना। कल सुबह 6 बजे तो आगे बढ़ेंगे वहाँ से। ये सूरज दादा भी हमारे साथ जो हम चार ही लोग निकले, हमारे पास एक भी चारा ड्राइवर रहे इसके ऊपर नहीं। हाँ बोरिंग यार, मैं तुम लोगों को गाने भी नहीं सुना सकती। कॉपीराइट आ जाता है, सारा मूड खराब हो जाता है फिर हमारा। हाँ इसलिए हमको फिर सॉन्ग्स को बंद करके आप लोग से बात करनी पड़ती है। वैसे हम इतना बोरिंग जाते नहीं है जितना लग रहा है। ना कुछ चीजें कैमरे के पीछे अच्छी लगती है, मतलब कैमरे के वो साइड पीछे, मतलब आगे की साइड पीछे की साइड। अब भी 2 मिनट में यूं अजमेर पहुंच के मैं तुम लोग को वापस मिलती हूं। तो बाय। रहमान अपने कहाँ पहुँचे भाई? रास्ते में बस इतना बताए मेरे को, बाकी और कुछ नहीं बताया मेरे को। हम लोग कहाँ पहुँचे? सुबह में वहाँ चाय पीने उठे थे, उसके बाद अब डायरेक्ट होटल पे रुके। मुस्कान कैसे हो? जैसे दिख रहे थके। बस ये होटल स्काई वे पे रुके हम लोग अभी। पूछते हैं होटल वालों से क्या एड्रेस है। एड्रेस कहाँ का है? एड्रेस यहाँ पर ये कैनपुरा बोलते हैं, कैनपुरा ढोला। कैनपुरा ढोला पहुँचे भाई अपने। नाश्ता वास्ता मिल जाएगा यहाँ पे, बैठ के नाश्ता वास्ता करेंगे और फिर निकलेंगे आगे अजमेर के लिए। बाय बाय। हम फाइनली अजमेर आ गए हैं और ये देखो मुस्कान अभी तक अंदर सोए हुए। मुस्कान अजमेर आ गए अपने।
तो कैसा रहा अजमेर तक का सफर आपका? पहुँच गए गाइस, देखो मेरी हालत देखो, मैं ब्लैंकेट ओढ़ के बैठी हूँ, मेरे को ठंड लग रही थी, रहमान ड्राइविंग सीट पे थे और वहाँ से धूप आ रही थी, तो उसकी वजह से पूरा सब ढक दिया था हमने, और रहमान को गर्मी लग रही थी ठंड की पसीने की वजह से, सीधी धूप उन्हीं के ऊपर आ रही थी, तो उसकी वजह से मैंने ये यहाँ पे एसी तो ऑन कर दिया था, लेकिन फिर मेरे को ठंडी लग रही थी तो मैंने सोचा ब्लैंकेट ओढ़ लूँ, मैं ब्लैंकेट ओढ़ के सो गई थी। मैं जस्ट उठी हूँ, रहमान शायद होटल बुक कराने गए हैं, आज रात का स्टे यहीं पे है, आज रात का सफर नहीं, आज का सफर यहीं तक था, कल जाएंगे हम सुबह सुबह निकलेंगे, कल जाएंगे हम अजमेर टू चंडीगढ़ और मे भी थोड़ा ऊपर अजमेर टू चंडीगढ़ और शायद मे भी अम्बाला, दोनों में से कोई भी एक जगह स्टे करेंगे हम। सो गाइस जस्ट वेट एंड वॉच, एंड बस गाइस बहुत ज़्यादा थक गए यार, आई एम वेरी हंग्री, आई एम फीलिंग क्रेविंग यार, मैं पहले जाऊँगी और कुछ खाना खाऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अभी तुमको रहमान आता है फिर अपने मिलाते हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं दरगाह के लिए, है ना? हाँ, मैं रेडी हो गई हूँ, रहमान रेडी हो गए, बाकी सब लोग भी रेडी हो गए, तो हम निकल रहे हैं ज़ियारत के लिए और वहाँ जाके मैं बताती हूँ। हम लोग ऑलमोस्ट दरगाह पे ज़ियारत करके आ गए हैं, इतनी सारी भीड़ थी, इतने ज़्यादा लोग थे, ये मास्क पहन पहन के थक गए। नेक्स्ट पार्ट अब रहेगा कल से अजमेर टू अम्बाला या फिर अजमेर टू चंडीगढ़, सो स्टे ट्यून्ड, और ये व्लॉग हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो बाय बाय, एंड ठंड बहुत है हाँ, और गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर, सो बाय बाय, लव यू।